दोस्तों गुड इवनिंग, हैव यू नाइस डे। मैं स्काई मार्शल ब्लैक कैट कमांडो आर के दैया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उन युवाओं का। और आज मैं उन युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं, उन लोगों से बचिए जो फर्जी कमांडो बने हुए घूम रहे हैं, जो जीवन के अंदर इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाए और अपने आप को बोल रहे हैं कि हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है, हम कमांडो हैं। उनसे नंबर पूछिए, उनसे सारी चीजों की डिटेल लीजिए, फर्जी एकेडमी से बचिए। वो खुद सफल नहीं हुए, वो आपको क्या सफल करके दिखाएंगे। उनको ऐसी लैंग्वेज, उनका देखिए आप लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है, क्या आप वो लैंग्वेज सीखना चाहेंगे, उस लैंग्वेज से बचिए। मैंने एक रिपोर्टर, एक न्यूज चैनल वाले को एक बंदे को मौजूद और गाली देते हुए सुनाई दिया है, देखा है। ऐसे लोगों के पास रहेंगे आप, ऐसे लोगों से क्या सीखेंगे, जिसको किसी चीज का अनुभव नहीं है, जिसको किसी चीज का तजुर्बा नहीं है, वो आपको क्या सिखाएगा। वो खुद इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया, वो क्या कर पाएगा, वो कैसी कैसी गालियां दे रहा है, उनको शर्म नहीं आई। आज उतने व्यू होते हुए, उसके मिलियन सब्सक्राइब होते हुए, वो लोग कैसी गंदी हरकतें कर रहे हैं, उनका असली चेहरा पहचानिए और 4,000 रुपए के लालच में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए ना। दोस्तों मैं कहता हूं कुछ फीस एक्स्ट्रा लग जाएगी, लेकिन आपका जीवन सुधर जाएगा। और मैं यहां तक कहता हूं कि इंडियन आर्मी के अंदर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने घर पर रह के भी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसका प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। उन लोगों को कुछ पता नहीं है, खैक पता नहीं है, बॉडी की मसल्स के बारे में पता नहीं है, इंडोरेंस के बारे में पता नहीं है, फिजिकल कैसे बनता है उनको पता नहीं है, वार्म अप कैसे होता है, एक्सरसाइज कैसे होती है, वर्कआउट कैसे होता है और कूल डाउन कैसे होता है, किसी के बारे में पता नहीं है। वो आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। उस आदमी के साथ रहिए जो रात और दिन आपके साथ में दौड़ता हो, उसको पता लगेगा कि आपकी मसल्स के ऊपर कितना अभी प्रेशर आया, कितना खिंचाव आया और कितनी रिलैक्स और रिलीज हुई है। उनको डाइट के बारे में पता नहीं है, फिजिकल कैसे बनता है, कितना रेस्ट चाहिए, कितना फिजिकल के लिए डाइट चाहिए, कितना फिजिकल के लिए वर्कआउट चाहिए, तीनों चीजें मायने रखती है। आज हमने कितना कैलोरी ऊर्जा बर्न किया है और आज हमारे को डाइट में कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए, वो सारी चीजें बहुत मायने रखती है। बेवकूफ लोगों के साथ मत हुई है। दोस्तों मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, ऐसे लोगों से बचिए। आपके 4,000 रुपए नहीं है, आपके 4,00,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं वो लोग, आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आपको ऐसी चीजें सिखा रहे हैं और आप मेडिकल के अंदर जीवन भर फिट नहीं हो सकते। मैं बोलता हूं आपको ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं जिससे आप अनफिट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बॉयकॉट कीजिए, ऐसे लोगों से बचिए। और ऐसे बेवकूफ लोगों को पता नहीं है आंदोलन कैसे कर रहे हैं, आंदोलन कैसे कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी ने बोल दिया आंदोलन करेंगे और उसके पीछे पूरा गांव भाग लिया। भेड़ चाल मत चलिए, आंदोलन अपने घर पे भी किया जा सकता है। और यदि तेरे में दम होता तो तू वहां पे अपने अपने स्टेट में आंदोलन करके और इंडियन आर्मी को, तो क्या तू रक्षा मंत्रालय को हिला सकता था। लेकिन दम नहीं है, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कैसे आंदोलन किया जाता है। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन देके और इंदौर के अंदर ही आंदोलन कीजिए। ड्यू न्यूज वाले तो वहां भी पहुंचते, लेकिन तुम्हारी वजह से एक ड्यू न्यूज वाले और बच्चे इतने परेशान हुए, दिल्ली तक गए और तकलीफ उठाई उन लोगों ने और रेरे माटी हुई, उन युवाओं की बेइज्जती हुई जिन्होंने एक स्टेप उठाया और इस स्टेप का कोई नतीजा नहीं निकला। या तो स्टेप लेना नहीं था, और लेना था तो जान की बाजी लगा देनी थी, वही मर जाना चाहिए था तुम्हारे को, वापस पीठ नहीं दिखानी थी। वो पीठ वही दिखाते हैं, वही दिखाएंगे जिन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं की है और जो ना इंडियन आर्मी में जा सके हैं, क्योंकि वो वहां तैयारी करते हुए भी पीछे हट गए। इसलिए आज लोगों को झूठ बोल के बेवकूफ बना रहे हैं, उन्होंने देश को बेवकूफ बनाया। मैं बोल रहा हूं, एक बार उन्होंने इंडियन आर्मी की तैयारी स्टार्ट की और 3 साल के बाद में उन्होंने तैयारी छोड़ दिया, 2 साल के बाद में तैयारी छोड़ दी, अकेडमी खोली, अपनी माँ का दूध पिया तो पहले तैयारी करके इंडियन आर्मी ज्वाइन करते और उसके बाद में आके इधर युवाओं को शिक्षा देते। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़िए और भीख मांगना स्टार्ट कर दीजिए, युवाओं को बेवकूफ मत बनाओ। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।